छत्तीसगढ़ के नवागढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नवागढ़ में हत्या के एक सनसनीखेज मामले में एक युवती की जान चली गई। छोटे भाई की प्रेमिका को बड़े भाई ने सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी, फिर पेट्रोल डालकर लाश को जिंदा जला दिया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आरोपी युवक थाने में जाकर आत्मसमर्पण करते हुए हत्या करना स्वीकार कर लिया है। युवती का एक युवक के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग था। युवती युवक पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। इससे नाराज प्रेमी के बड़े भाई ने युवती के सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। स्थानीय पुलिस से घटना के बारे में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार मृतिका सुनीता कुशवाहा का आरोपी डिहीपारा नवागढ़ अनवर खान के छोटे भाई जमीर खान के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपित युवक का भाई युवती के साथ शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण कर रहा था। इसी बीच युवती ने शादी के लिए युवक पर दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। युवती ने इस बात को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई और युवक के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज करा दिया। मामले में युवक की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन इस बीच दोनों के बीच समझौता हो गया। युवक ने युवती को शादी का आश्वासन दिया और मामला रफा दफा हो गया। इसके बाद युवक अचानक गायब हो गया। युवती को खबर मिली कि युवक ने शादी कर ली है। इसके बाद रविवार की रात युवती बिलासपुर से युवक के घर नवागढ़ पहुंची। युवती को अपने घर के सामने हंगामा करते देख प्रेमी युवक का भाई आग बबूला हो उठा और उसने पहले तो पत्थर से कुचलकर युवती की हत्या कर दी और इसके बाद घर में रखा पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित युवक खुद देर रात थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपित युवक के भाई की भी तलाश की जा रही है। मृतिका मूल रूप से सूरजपुर की रहने वाली थी। ये दोपहर के करीब 2:30 बजे के आसपास की बात है। मैं बिलासपुर में कुछ काम कंप्लीट करके जांजगीर की तरफ वापस आ रही थी सीपत बलौदा रोड से। तो सीपत से करीब 5-6 किलोमीटर पहले एक मटियारी गांव पे एक एक्सीडेंट बिल्कुल मेरे सामने हुआ। एक मोटरसाइकिल पे दो लोग जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड एकदम से उछल गया। एक कैप्सूल गाड़ी ने उसको टक्कर मारी थी और महिला तो ठीक थी, मगर ये जो पुरुष है उसके काफ़ी मौके पर देखा सर पे ब्लीडिंग हो रही थी और बेहोश पड़ा था। तो 108 और 112 को कॉल कर दिया था हालांकि घटना से लोगों ने, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो रहा था तो गाड़ी मेरे साथ ही थी तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठा के और सीपत CHC तक वहाँ पे छोड़ा और डॉक्टर से फिर चर्चा हुई। उसको फर्स्ट एड के बाद वहाँ से सिम्स भेज दिया गया था। अभी पता किया है वो स्टेबल है और होश में आ गया है। ये थाना नवागढ़ क्षेत्र का मामला है। थाना नवागढ़ अंतर्गत वार्ड नंबर 2 निवासी अनवर खान जो है अपने परिवार के साथ रहता था। बीती रात मृतिका सुनीता कुशवाहा जो कि सिलपिली जिला सूरजपुर के रहने वाली थी, अनवर खान के घर में आकर कहने लगी कि मेरा तुम्हारे भाई जमील खान से प्रेम संबंध था और उसने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था, किंतु उसने उसके साथ शादी नहीं किया, इस प्रकार से धोखाधड़ी किया है, अतः वह उसी घर में रहेगी। इसी बात को लेकर अनवर और सुनीता के बीच में वाद विवाद हुआ, जिस पर से अनवर द्वारा उसके सिर पर पत्थर से वार करते हुए उसको मिट्टी पेट्रोल डालकर जला दिया गया, जिससे मृतिका सुनीता कुशवाहा की फौत हो गई, जिसकी सूचना थाना नवागढ़ में दी गई। जिसकी सूचना पर से थाना नवागढ़ की टीम तत्काल मौके पर गई और वहां पे देखने पर कि सुनीता कुशवाहा मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मामले में प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होने से 302 भादावी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी अनवर खान को अभी रक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में विवेचना जारी है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।